सुशांत सिंह राजपूत 11 जून को ही मुंबई छोड़कर जाना चाहते थे। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 11 जून को ही सुशांत जो है मुंबई छोड़कर जाना चाहते थे। कहाँ जाना चाहते थे, किसके पास जाना चाहते थे, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडोप आपको बताऊंगी। दरअसल 8 तारीख को जो है सुशांत की बहन मीतू उनके पास रहने गई। 9 को दिशा के निधन की खबर आई और उसके बाद से वो काफ़ी परेशान थे, डिस्टर्ब थे। इतना ही नहीं, 11 जून को उन्होंने अपने जीजा जी यानी कि प्रियंका के पति को फोन किया और कहा कि मैं जो है मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे यहाँ पर आकर से ले जाइए। और जो है वो चंडीगढ़ जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई छोड़ देना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देना चाहता हूँ, मुझे आप यहाँ पर आकर लेकर जाइए। तो इस तरह की जो है बात उन्होंने अपने परिवार वालों से 11 तारीख को की थी। वो 11 तारीख को ही मुंबई छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन आप सभी जैसे जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो है ट्रैवल बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे में उनकी बहन या परिवार को बिल्कुल भी इस बात का शायद एहसास नहीं हुआ कि सुशांत बहुत परेशान है। मीतू उनके साथ रह रही थी, वो 12 को एक दिन के लिए अपने घर गई क्योंकि उनके छोटे बच्चे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि वो 11 को ही छोड़कर जाना चाहते थे मुंबई, और उन्होंने इस बात के लिए अपने जीजा जी को फोन भी किया था। इतना ही नहीं, नवंबर में भी वो मुंबई छोड़कर सब कुछ रैप अप कर, जी हाँ सुनिए, सब कुछ रैप अप कर चंडीगढ़ चले गए थे। वहाँ पे 4-5 दिन रहे भी और यहाँ से सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया था, रैप अप कर दिया था। मीतू उनको ड्राइव करके जो है चंडीगढ़ लेकर गई और वहाँ पर वो 4-5 दिन रहे और उसके बाद जो है उनका मन बदला और वापस आ गए। नवंबर में भी एक बार वो मुंबई छोड़कर चले गए थे चंडीगढ़ रहने के लिए अपने दीदी और जीजा जी के पास। और अब जो है फिर से 11 जून को वो इतना डिस्टर्ब हो चुके थे दिशा के निधन के बाद। वो ये कहते थे कि मुझे वो लोग फंसा देंगे, मेरा नाम घसीटेंगे, आई एम स्केयर्ड ऑफ माई लाइफ, और जो है अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बातें जो है सुशांत किया करते थे और इतना डर गए थे कि उन्होंने अपने दीदी जीजू को भी फोन कर दिया था कि मुझे आप यहाँ से आकर ले जाइए। तो 11 तारीख को ही उन्होंने प्लानिंग कर ली थी यहाँ से जाने की।